पैसा सारा वाजी और यास्मिन तैयार है और हमको सुबह से उठा रही है कि उठ जाओ जल्दी जल्दी चलते हैं और सामान लेकर के आते हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या घट गया है, कल लिया परसों ईद है और आपको देखिए अभी तक शॉपिंग चल रहा है, इन लोगों का सारा सामान लेकर के जा रही है, कब से हमको गोल गोल घुमा रही है। टिकटॉक डाउनलोड किया पता नहीं क्या और इन लोग का देखिए ओल्ड वाला वीडियो, अरमान पहले ऐसा दिखता था, बहुत पहले टिकटॉक वीडियो बनाते थे ना जब टिकटॉक था। देखिए क्या हो गया, पापड़ी चाट बनाना, दही भाड़ा बनाना और क्या क्या बनाएगा कल, क्योंकि चांद रात है ना, कल मोहल्ला भी सजेगा, कल दही भाड़ा भी बनेगा। सारा वाजी लोग ना पापड़ी चाट बनाने स्टार्ट भी कर दिया, पापड़ी चाट कैसे बनता वो आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे ऐसे करके ना पूरा जितना भी है ना ये पूरा लंबा, उसमें चारों साइड गोल कर लेना और ये गोल गोल को फिर क्या करना है छुरी से काटना। अभी मस्त क्रिस्पी और लाल लाल हो गया है, तो चलिए अब इसको फटाफट से यहाँ पे निकाल रही है। हे गाइस क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 10 बजे, आज का ब्लॉगिंग 10 बजे से कंटिन्यू करते हैं। वैसा सायरा वाजी और यास्मिन तैयार है और हमको सुबह से उठा रही है कि उठ जाओ जल्दी जल्दी चलते हैं और सामान लेकर के आते हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या घट गया है, कल लिया परसों ईद है, इन लोगों को देखिए अभी तक शॉपिंग चल रहा है, इन लोगों का सारा सामान लेकर के जा रही है। क्या चप्पल पसंद? तो अभी तुम चप्पल लेने जाएगी और क्या क्या लेना है इतना बताओ, और पापड़ी चाट के लिए सामान लेना है, दही भाड़ा के लिए सामान लेना है, छोले चाट के लिए सामान लेना है, तो ये तीन चीज तो लेगी ही क्योंकि ईद में बनने वाला है ये तीन चीज, बाकी और क्या लेना है तुमको अलग से? सूट लेना है, एक सूट लेना है, चूड़ी लेना है, चप्पल लेना है और क्या लेना है, और इंडक्शन जो खराब हो गया वो लेना है। ठीक भली सवाई ले लेंगे और मूढ़ी लेना है, तो कुछ इतना सारा सामान लेने के लिए जाना है और अभी 10:30 बजने वाला है, बाकी सारा शॉपिंग कर करके आना है। तुम कौन सा चप्पल लेगी रे, जब ऑलरेडी चप्पल ले ली है तो? अच्छा तो वापस तुम चप्पल भी लेगी, चलो फिर जल्दी चलो, देख लो सुन लो अभी 10 बज रहा है, 11 या फिर ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे तक आ जाएंगे। हाँ एकदम तुरंत पूरा स्पीड जाएंगे, चप्पल क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा धूप है और धूप के चक्कर में रहेंगे, बहुत ज्यादा सर दर्द होगा, फिर गुस्सा में इन लोगों को मारेंगे, इसलिए बोल रहे कि जल्दी करना क्योंकि लेट होगा तो फिर दिमाग खराब होगा। सुनी लेट नहीं करना होगा, हाँ मैं बोलो ठीक है इंडक्शन ला देंगे तेरा। चलिए फटाफट से चलते हैं, सारा सामान लेकर के आते हैं, बहुत सारा शॉपिंग करना है, पता नहीं हमको कुछ नहीं करना, बस हमको वो जो खाने के लिए ना चाट वाट लेना, तो वो सब हम इसलिए स्पेशली जा रहे हैं कि वो लोग ये सब लेकर के आएगी, क्योंकि ऐसे वो लोग जाएगी नहीं, इसलिए हम साथ में जा रहे हैं। तो हाँ वो भी शॉपिंग करना है इन लोग का, बाकी जितना भी शॉपिंग है सब करना है, बस हमको लेकर के जा रही है। सुबह से उठा रही थी, सुबह 8 बजे से हमको उठा रही है बार 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 बार, फिर हम सोचे चलो लेकर के चलते इन लोगों को, तो चलिए अभी चलते फटाफट से, स्कूटी निकालते हैं और सीधा चलते हैं मार्केट। अभी घर से निकल ही रहते हैं और देखिए स्कूटी के सामने कौन आ गई, गिरगिट नहीं है रे, बकरी ही है, बहुत पतली है बेचारी, बहुत पतली क्योंकि इसकी मम्मी बहुत पतली है ना, इसकी मम्मी बच्ची है और बच्चा दे दी इसलिए गाइस ये छोटी रह गई है। क्या कर रही है रे, अरे बकरी है, रखो ना बहुत जोर से चिल्लाता है रे। अरे चलो 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 जल्दी चलो उसको रख दो। फाइनली अभी मार्केट पहुंच गए, अभी सारा वाजी और यास्मिन अंदर से सामान ले रही है, अभी हमें मंडी के पास यहाँ पे देखे कितना सारा तरबूज है, लिटरली अभी तरबूज का बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है। सारा वाजी और यास्मिन पापड़ी चाट दही भाड़ा और भी पता नहीं क्या क्या बनाएगी, सबके लिए सामान ले रही है मस्त। अभी चलते हैं वापस से घर, ये लोग कब से हमको गोल गोल घुमा रही है, अभी क्या ले रही है चाकू, इधर छोटा वाला लाने बोले थे ना तो नहीं है, तो बड़ा ले लो, क्या बड़ा ही ले लो, अच्छा तो है। अब आई है चप्पल लेने के लिए, तो गाइस हम लोग को चप्पल ही पसंद नहीं आ रहा, चप्पल पसंद नहीं आ रहा, ज्यादा हील वाला हम लंबी है ना, ज्यादा हील वाला हमको पसंद नहीं, नहीं ज्यादा नहीं कम वाला, कम वाला तो है, कम है ना, जल्दी ले, मतलब देखिए गाइस कितना कम वाला, इसमें से तुमको कोई पसंद नहीं आ रहा, इतना अच्छा अच्छा तो है, हील वाला ही ज्यादा, जल्दी करें 11 बज गए, देखिए मस्त है, अच्छा लग रहा है, तो मस्त मस्त तो है। अभी सायरा वाजी और यास्मिन गई है भुजिया लेने के लिए जो कि कल पापड़ी चाट में डालेगी, पूरा हालत खराब हो चुका है गाइस, पूरा गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा और पता नहीं इस पर क्या क्या ले लिया इन लोग, चप्पल है इसमें, इसके अंदर कपड़ा है, फिर कपड़ा दर्जी के पास भी दे दी और हम एक टोपी खरीद लिए नमाज पढ़ने के लिए, ओके हाँ अभी चलते घर। अभी जाकर के शॉपिंग कम्प्लीट हो गया, लास्ट में ये लोग सवेली थी वो पापड़ी चाट में डालने के लिए लिए, पापड़ी चाट दही भाड़ा और कावली चना का चाट, ओके हाँ चलिए अभी चलते हैं फटाफट से घर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत कुछ लिए। ये देखिए हम लोगों का हटिया और एक नया दुकान भी खुल रहा है, बाकी ये है कुछ हम लोगों का हटिया, यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे दुकान लगता है, बस सप्ताह में 7 दिन होता है जिसमें से बस एक दिन इसमें दुकान लगता है, बाकी का 6 दिन ऐसे खाली रहता है, स्कूल छुट्टी हो गया अब एक हाथ से नहीं चलाएंगे। बड़ी आइसक्रीम पीछे ना आओ ना, हाँ बड़ी आइसक्रीम लेगी दे दीजिए तुम,
तो गाइस फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं कि सायरा बाजी क्या क्या लेकर के आई है। तो गाइस सबसे पहले सायरा बाजी ये वाला चप्पल खरीदी जो कि गाइस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना सायरा बाजी, एकदम मस्त वाला दुकान लेकर गए। इससे पहले ये लोग जो दुकान में गई थी ना उसके पास से चप्पल नहीं ली थी क्योंकि वो 600 के या 700 के आसपास का बता रहा था, सेम यही चप्पल। फिर हम इसको दूसरा दुकान लेकर के गए, बताया कि चल वहां पे एकदम सीक्रेट दुकान है, वो वहां पर गई सिर्फ और सिर्फ बस ये चप्पल इसको सायरा बाजी को 350 रुपए में दिया जबकि वो दूसरी दुकान में 600 रुपए का दे रहा था और सीधा आधा आधी माइनस करवा करके ला दी ना। 600 कहाँ और तुम कहाँ 350 में लेकर के आ गए। और गई हाँ हम ये वाला टोपी लेकर के आए हैं और क्या था, और गाइस ये वाला केचप लेकर के आ गए जिसको कल हम लोग खाएंगे, बाकी और भी बहुत सारा सामान है। और दाल वाल नहीं लेकर के आई है, कावली चना। और गाइस इसके अंदर क्या है, क्या है यार, अच्छा छुरी निकाल दो, चाकू को अगर मम्मी के लिए ये चाकू जो कि मम्मी के पास था नहीं तो इसलिए लेकर के आ गए। और मान लो आज है ना टिकटॉक डाउनलोड किया, पता नहीं कैसे किया, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, फिर कैसे तुम लोग डाउनलोड किया? वीपीएन लगाया, टिकटॉक डाउनलोड किया। अच्छा वीपीएन से गाइस टिकटॉक डाउनलोड किया और इन लोग का देखिए ओल्ड वाला वीडियो, अरमान पहले ऐसा दिखता था, बहुत पहले टिकटॉक वीडियो बनाते थे ना जब टिकटॉक था, देखे इसको ओहो डांस, अरे साइड भी है, रियान भी है, सलमान भी है। अभी कितना छोटे छोटे है तुम लोग, कितना छोटे छोटे, इतना छोटा छोटा। तो गाइस पहले ना इन लोग सबको टिकटॉक बनाता था, हम खुद बनाते थे मतलब बहुत पहले जब टिकटॉक था, फिर टिकटॉक बैन हो गया तब से हम लोग बंद कर दिए, फिर हाँ रील्स बनाते थे, फिर बाद में यूट्यूब बस यूट्यूब। तो हाँ बहुत पहले टिकटॉक वीडियोस बनाते थे। अब भी शाम के 5:45 हो रहा है, अभी कुछ देर बाकी है अजान होने में और बस हम सुबह ब्लॉगिंग किए थे जब हम लोग गए थे पापड़ी चाट या फिर कोई भी सामान बनाने के लिए ना, सामान लेने के लिए मतलब जो भी सामग्री लगता है डिश बनाने के लिए ईद के लिए, तो वो सब लेने के लिए गए थे तभी ब्लॉगिंग किए थे। फिर आकर के मस्त हो गए थे क्योंकि दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा धूप था, तो फिर उसके बाद हम मस्जिद गए नमाज पढ़ने और फिर चंदा लेने चले गए थे गाँव में क्योंकि ईद है, कल चांद रात है, कल चांद रात के लिए सजाना है पूरा मोहल्ला, तो हम लोग सब पूरा बंदा लोग तो जितना भी लोग है ना गाइस गाँव में जितना भी लड़का लोग सबको यंग एज का सब हम लोग मिल करके गए थे चंदा उठाने के लिए, हर घर से चंदा उठाए, अभी फाइनली पूरा चंदा उठा लिए हैं और कल या फिर परसों नहीं कल ही सज जाएगा गाइस, कल क्योंकि चांद रात है इसलिए कल पूरा मोहल्ला सजाना है और फिर ईद में भी सजाना है, 2 दिन तक मोहल्ला सजा हुआ रहेगा। और देखिए मम्मी अभी क्या कर रही है, क्या कर रही थी, तो ये आटा या फिर क्या डाली है, मैदा, तो गाइस मैदा इसमें फॉर्चून ऑयल मिलाई है और नमक डाली है और बस उसको सान रही है। और बनाएगी कब से, डालेंगे दुकान से लाने के, और बनाएगी कब से, आधा घंटा बाद इफ्तारी करने के बाद। अच्छा अभी कुछ ही देर बाकी है अजान होने में, कुछ देर में अजान हो जाएगा फिर रोजा खोलना है, फिर रोजा खोल करके ये लोग बाकी का काम करेंगे जैसे क्या हो गया पापड़ी चाट बनाना, दही भाड़ा बनाना और क्या क्या बनाएगी आज, दही भाड़ा तो नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे ना। तो गाइस कल दही भाड़ा बनेगा, कल क्योंकि चांद रात है ना, कल मोहल्ला भी सजेगा, कल दही भाड़ा भी बनेगा। मंगरेला ला दी यास्मीन, मंगरेला ला दी। तो गाइस अभी यास्मीन जस्ट दुकान से मंगरेला लेकर के आ गई है, अभी पापड़ी चाट बनने वाला है और चलिए अभी चलते हैं रोजा खोलने के लिए, बाकी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं जब पापड़ी चाट बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज पापड़ी चाट ही बनेगा। गाइस ये होता है मंगरेला, देखिए ये होता है गाइस मंगरेला, काला काला मंगरेला। आज बस पापड़ी चाट बनने वाला है, कल दही भाड़ा और फिर परसों छोले बनेगा, छोले तो 2 मिनट में ही बन जाता है, मतलब 5-10 मिनट में छोले को बस रात भर, कल सारा बाजी फुलने दे देगी, सुबह उठे की छोले बना देगी, तो छोला का काम तो ईद के दिन ही है, बट हाँ आज रात पापड़ी चाट बनेगा और कल दही भाड़ा बनेगा। कितना अच्छे से निकालना पड़ेगा, मिले का चटनी बनाएंगे ना, कल बनाएगी दही भाड़ा, हाँ कल रात में। और आज पकौड़ी में क्या क्या बनाई है, सिर्फ पकौड़ी में ही तो प्याज का पकौड़ा, सायरा बाजी आज बस प्याज का पकौड़ा बनाई है। अभी चलते हैं रोजा खोलने के लिए, फाइनली अभी मगरिब का नमाज पढ़ करके आ गए घर और मस्त रोजा भी खोल ली, और गाइस अभी टाइम ना 6:30 बज रहा है और देख सकते हैं सायरा बाजी लोग ना पापड़ी चाट बनाने स्टार्ट भी कर दिया, पापड़ी चाट कैसे बनता वो आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी, आप लोग भी घर में बना सकते हैं, बाकी हाँ इसमें क्या क्या डाला जाता है वो आप लोगों को ईद के दिन बताएंगे, बट हाँ अभी पापड़ी चाट कैसे बनता वो बताते से, मतलब पापड़ी चाट को बनाया कैसे जाता है वो गोलगप्पा को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले देखिए गाइस, उस टाइम पे जब जा रहे थे तो मम्मी मैदा सान रही थी, तो अभी फाइनली मम्मी मैदा भी सान दी जब हम रोजा खोल करके आ गए और साथ में नमाज भी पढ़ के आ गए, तो मम्मी सब कुछ रेडी करके रखी है, अब बस इन लोगों को बेलना है जिसमें से सायरा बाजी ऑलरेडी बेल रखी है, हम बोले कि चलो ब्लॉग बनाएंगे अब तुम ब्लॉग में बता दो कि कैसा बेला जाता है, तो अभी सायरा बाजी आप लोगों को बेल करके दिखाएगी कैसे बेला जाता है, कैसे बनाया जाता है पापड़ी चाट, जो कि ईद में आप लोग भी बना करके खा सकते, कल आप लोग ये वाला ब्लॉग देख लोगे आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि पापड़ी चाट को कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग पापड़ी चाट बना लोगे, और अगर आप लोगों को सीखना है कि पापड़ी चाट में क्या क्या डाला जाता है तो आप लोग जाइए चैनल पे और पुराना ईद का ब्लॉग चेक करिए,
तो उसमें हम लोग दिखाएं कि पापड़ी चाट में क्या क्या डाला जाता है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा और आप भी ईद के दिन खा सकते हैं। तो चलिए अभी सारा बाजी आपको कुछ पापड़ी चाट बना करके दिखाएगी कैसे बनता है। वहां पे तेल गर्म हो रहा है, देखिए ये जो मैदा है ना, जब इसको सारा बाजी खरीद करके लाई इसमें कितना फॉर्चून डाली थी, 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा खास्ता बने, खास्ता अच्छा। जितना बने उतना गाइस देखिए, अगर आप 1 किलो मैदा लाते तो उसमें 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा मिला करके फॉर्चून ऑयल डाल सकते हैं, नमक और काला जीरा। अच्छा, और गाइस उसमें नमक डाली और फिर काला जीरा डालिए तो कुछ ऐसा बन, फॉर्चून डाल करके मिलाना है थोड़ा देर, उसके बाद पानी देना। जितना ज्यादा फॉर्चून डालेगा उतना ज्यादा क्रिस्पी होगा। तो गाइस अभी सारा बाजी थोड़ा सा बना करके दिखाने वाले आप लोगों को। तो पहले आप लोगों को ऐसे करके कुछ बेल लेना है, बड़ा सा बेलना है, जितना बड़ा आप कर सकते हैं। हम लोग को सामने नहीं आता है, मम्मी मस्त आटा सानी है, रुक जाना पहले यहाँ पे बनाने दे, फिर तुम लोग पूरा बना लेना चूल्हा में और फिर स्टोर करके रख देना और ईद में खाना, ठीक है। सबसे पहले इसको जितना लंबा आप खींच सकते हैं, जितना लंबा बेल सकते हो उतना लंबा बेलिए, पूरा जितना पतला कर सकते हैं। फाइनली अभी सारा बाजी पूरा का पूरा बेल दी, जितना लंबा खींच सकते थे जितना पतला कर सकते थे कर दी। अभी गाइस एक ठेपी ले लेना है, ढक्कन ले लेना है, जो भी आपके पास है, गोल जैसा छोटा सा गोल, मतलब छोटा जैसा कप भी ले सकते हैं आप, चाय वाला कप, और उससे ना गाइस कुछ ऐसे कट करना है, देखिए ऐसे ऐसे कट करना है, बस ऐसे गोल घुमाइए, ये गोल कट हो जाएगा, ऐसे करके ना आपको पूरा गोल कट करना है, उसमें चारों साइड गोल कर लेना, और ये गोल गोल को फिर क्या करना है, छुरी से कटना, चार फिर गाइस है ना ये जो गोल बना है उसके अंदर चार लाइन खींचना है, ऐसे 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 ऐसे, ताकि अगर फूल जाएगा ना ये तो गोलगप्पा बन जाएगा, पूड़ी बन जाएगा, मतलब छोटा सा पूड़ी, हाँ इसलिए आपको काटना है ताकि ये पंचर हो जाए। तीन कर सकते, दो भी कर सकते, पर चार सहरवाजी बोल रही कि अच्छा होगा, तो हम लोग कुछ ऐसे करके छेद कर दे रहे चार साइड, मतलब एक पापड़ी चाट में ना चार ऐसे करना है, लाइन मारना है, ठीक है लो छोटा छोटा कर दिए, इतना छोटा गाइस, जितना ज्यादा फॉर्चून डालेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कितना डाली थी मैं फॉर्चून, 200 ग्राम डाल दी थी, 200 एक किलो में 200 ग्राम। अच्छा गाइस मम्मी बोल रही कि मम्मी डाली थी 200 ग्राम और सहरवाजी बोल रही थी 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम, ज्यादा ढाल दी मम्मी। और गाइस बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो देखिए कुछ ऐसे बनता है, और फिर उसको ऐसे करके ना निकालना है साइड साइड से, और फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना इसको फेंकेगा मत, ये वापस से यूज भी होगा। जो बन गया ना गाइस उसको ऐसे करके पानी में डाल देना, सॉरी उसको ऐसे करके तेल में डाल देना है, और फिर छकना स्टार्ट हो जाएगा, और अभी दिखाते गाइस आप लोगों को ये छक करके, खाओ मजे करो, आप लोगों को ईद मुबारक। गाइस ये देखिए फाइनली पापड़ी चाट बन गया, हम लोग थोड़ा गोल को डीप नहीं काटते थे वीडियो बनाने के लिए, वेस्ट आते बचे, कितना बड़ा बड़ा छेद था, बोलो ना कि इसको क्या, ये जो वेस्ट आते बचे ना इसको फेंकने, गाइस जो वेस्ट हो गया ना जो जिस पे गोल नहीं हो उसको वापस से आप यूज कर सकते हैं, गोल बनेगी और फिर वापस से यूज करिए उसको। अरे वो सबसे मेन जरूरी बोलो गाइस लोगों की, इस आटे को सूखने मत दीजिएगा, हाँ उसको हमेशा पानी से भिगा करके रखिएगा, नहीं 15 मिनट तक, 15-15 घंटा तक जल्दी फटाफट बेल लीजिए, 15 मिनट अगर सूख जाएगा ना तो बहुत बेलाएगा नहीं, बहुत 15 मिनट मजा नहीं आएगा फिर। गाइस यहाँ पे अपना पापड़ी चाट रेडी हो रहा है, बस क्रिस्पी और लाल लाल हो गया है, तो चलिए इसको फटाफट से यासमीन निकाल रही है, और कुछ ऐसा बन करके रेडी हो गया अपना पापड़ी चाट, बस ये ठंडा होगा उसके बाद इसको डब्बा में डाल करके स्टोर कर दीजिए, और आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना उतना ज्यादा नहीं, उतना देर तक स्टोर नहीं कर सकते, 1 महीना सिर्फ खा सकते हैं, 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं, हाँ आपका मन रहेगा तो उससे ज्यादा भी स्टोर कर लीजिए, बट हाँ इसको अभी हम लोग ईद में खाने वाले हैं, जो कि आज से 3 दिन के बाद, हाँ ईद में भी नहीं बचेगा, फ्रिज में मत रख देना, मैं सा जाए, हाँ फ्रिज में नहीं रखना गाइस, इसको डब्बा में भर के अलग से रखना, तो गाइस ये देखे क्रिस्पी दिखाएगी यासमीन, अभी बहुत गर्म है छू नहीं पा रहे, लो हम तोड़ के दिखाते हैं, ये देखे कुछ इतना ज्यादा क्रिस्पी, जैसे पकड़ के तोड़ेंगे ना फट से आवाज आएगा, देखिएगा सुनिए आप, देखिए गाइस कितना मस्त एकदम खास्ता हो गया पूरा, और यही गाइस खाने में बहुत मजा आएगा यही चीज, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अभी कुछ देर बाद, तब तक ये लोग पापड़ी चाट रेडी कर रही है, अब दिखाते हैं आप लोगों को कितना सारा पापड़ी चाट इकट्ठा करेगी, आप लोग इसको सूखा भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी पी सकते हैं, तेल डाला हुआ इसके अंदर पूरा भर के, तभी चूल्हा में मम्मी और सहरवाजी और यासमीन बनाने वाली ढेर सारा पापड़ी चाट, और बना के सारा स्टोर कर देगी, है ना मम्मी, ईद के दिन खाएंगे सबको, अभी मम्मी वापस से एक बार और आटा को सान रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट हो गया, गाइस आप लोग भी आइएगा खिला दें मम्मी सबको एक इनवाइट कर रही है गाइस ईद में, आइए सबको देखिए, तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी जाकर के पूरा का पूरा पापड़ी चाट बन करके रेडी है, कुछ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बस इतना ही कम, और कहाँ है, और मम्मी कहीं पे रख दी गाइस, अच्छा दो साइड बन रहा है पापड़ी चाट गाइस, एक साइड यासमीन ने इतना सारा इकट्ठा किया ना, तो दूसरे साइड इधर है जो कि सहरवाजी के पास है, और देखिए इसके पास कितना है, इतना सारा एक डब्बा पूरा फुल कर दी और एक्स्ट्रा और भी रख रही है और एक्स्ट्रा और छक भी रहा है, तो गाइस अब जो है ना ये लास्ट हो गया, पूरा सीन खत्म हो गया, यासमीन इधर अकेले इकट्ठा की है, उधर सहरवाजी पूरा डब्बा फुल की है, साथ में और भी निकाल रही है, और गाइस देखें यासमीन बेल बेल करके कुछ ऐसे निकाल रही है, देखिए इतना बड़ा बेली है और उससे कट कर रही सबसे निकाल रही है,
तो बस हाँ, अब ये जो भी है लास्ट है और पूरा बन करके रेडी है। अब ईद के दिन खाएंगे हम लोग मजा से। कल दही भाड़ा बनाएंगे। कल जो रेसिपी होने वाला है वो दही भाड़ा का होगा और फिर जो तीसरे दिन रेसिपी होगा वो छोले चाट का होगा, क्योंकि तीसरे दिन तो ईद ही है, फिर उस दिन ईद मनाएंगे हम लोग। अभी ईसा का अजान हो चुका है तो चलिए फटाफट से चलते हैं तरावी पढ़ने के लिए, क्योंकि गाइस कल चांद उग जाएगा और कल तरावी खत्म हो जाएगी। मतलब आज जो तरावी ना, आज लास्ट तरावी है, आज बस लास्ट तरावी पढ़ेंगे, फिर कल चांद रात हो जाएगा, फिर परसों ईद हो जाएगा। तो कल भी तरावी खत्म और फिर ईद के बाद तो तरावी होगा नहीं, तो आज जो भी तरावी है ना, आज लास्ट तरावी है। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं तरावी पढ़ने। सब कोई जा रहा है, अरमान, आतिफ, सलमान और रियान पहले ही जा चुका है। मतलब आज सब कोई जाएगा, जितना बच्चा बच्चा है ना, जो रोज नहीं भी आता था वो भी आ जाएगा, क्योंकि आज लास्ट तरावी है और आज खत्म तरावी है। तो चलिए चलते हैं अभी तरावी पढ़ने के लिए। गाइस अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी खाना खा करके सोने का टाइम हो गया। वैसे यहाँ सारा बजे लोग सब कुछ बना ली थी, चलिए अभी खाना खा लेते हैं। खाने में मम्मी बनाई है अंडा जो कि अभी बन ही रहा है, ऑमलेट है गाइस, और साथ में क्या है, हम पापड़ी चाट ले लिए, जो कि घुगनी रखा हुआ था गाइस अफ्तार का, तो वो वाला घुगनी है, साथ में हम पापड़ी चाट ले लिए और मम्मी बनाई थी बंदा गोभी का सब्जी और साथ में 3 रोटी ले लिए। बाकी अंडा बन रहा है तो आधा अंडा खाएंगे, क्योंकि ज्यादा अंडा हम खाते नहीं है। चलिए गाइस आज कब लोग को करते हैं पेंट। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग पसंद आया फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।